टाटा ग्रुप का फाउंडेशन जमशेद जी नसरवान जी टाटा ने रखा। ये वही जमशेद जी टाटा हैं जिनके नाम पर झारखंड में जमशेदपुर नाम की इंडस्ट्रियल सिटी भी है। जमशेदपुर में अनेक फैक्ट्री के अलावा टाटा आयरन और टाटा स्टील भी लोकेटेड है। जमशेद जी टाटा का जन्म 1839 में हुआ। अर्ली एजुकेशन के बाद मुंबई के एल्फिन स्टोन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। बचपन से उनका रुझान ट्रेड डेवलपमेंट की ओर था। यही कारण था कॉलेज से निकलते ही अपने फादर का ट्रेड फार्म ज्वाइन किया। 1870 में अपने फादर के साथ मिलकर 21,000 रुपए की कैपिटल के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी एस्टेब्लिश की। उसके बाद उन्होंने मुंबई और नागपुर में कॉटन मिल सेटअप किया। यहीं से स्टार्ट हुई टाटा ग्रुप के बिजनेस वेंचर्स की, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली थी। अपने करियर की शुरुआत से ही जमशेद जी नसरवान जी टाटा के चार सपने थे, एक आयरन और स्टील कंपनी सेटअप करना, एक यूनिक होटल ओपन करना, एक वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट सेटअप करना। जमशेद जी अपने समय और आने वाले भविष्य के अनुसार मॉडर्न इंडिया के ग्रेटर करने वाली मेजर डोमेन को टच करना चाहा, जिस कारण अपने सपनों को चार हिस्से में बांटा। उनके जीवन के दौरान ही 1903 में गोवा में ताज होटल ओपन हुआ, इंडिया का पहला होटल बना जिसमें इलेक्ट्रिक सिटी की सुविधा दी गई। 1904 में सर दोराबजी टाटा कंपनी के चेयरमैन बने। 1907 में टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई। इस कंपनी के एस्टेब्लिश ने इंडिया द्वारा मिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पुश किया। टाटा द्वारा प्रोड्यूस्ड स्टील कई इंडस्ट्रियल के लिए रॉ मटेरियल बनी। टाटा ग्रुप के ग्लोबल एम्बिशंस को देखते हुए टाटा ने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस लंदन में ओपन किया। कंपनी ने जमशेद जी के एम को चेस करते हुए 1910 में हाइड्रो प्लांट की स्थापना की। उसके अगले साल ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई। देश में इस एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट की स्थापना होने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। 1893 में जापान से शिकागो जा रही शिप में जमशेद जी की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। इस मीटिंग के दौरान स्वामी विवेकानंद अपने विजन और एम्बिशन को जमशेद जी टाटा के साथ शेयर किया और इसका उन पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। कहा जाता है स्वामी विवेकानंद के साइंस और लीडरशिप के विजन से जमशेद जी इतने इम्प्रेस हुए, उन्होंने स्वामी जी से खुद उनके इनिशिएटिव गाइड करने की रिक्वेस्ट की। दोराबजी टाटा के बाद 1938 में जेआरडी टाटा इस ग्रुप के चेयरमैन बने। उनके चेयरमैनशिप के दौरान टाटा ग्रुप ने यूज एक्सपेंसिव किया। जेआरडी टाटा ने जब टाटा ग्रुप की कमान संभाली तब टाटा सन्स में 14 इंटरप्राइजेस थे जिसका नेट एसेट्स 101 मिलियन डॉलर था। 1988 में जेआरडी टाटा के लास्ट डे के दिन टाटा ग्रुप 95 इंटरप्राइजेस का कंक्लूड बन चुका था जिसका नेट एसेट्स 500 मिलियन डॉलर से ऊपर बन चुका था। जेआरडी टाटा ने अपने टर्नओवर के दौरान टाटा ग्रुप को लगभग सारे मेजर इंडस्ट्री में एक्सपेंस किया, जिसमें केमिकल, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, साइंस एंड सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग सेक्टर भी शामिल था। इस सब के अलावा 1952 में जेआरडी टाटा के द्वारा टाटा एयर बस सर्विस का एस्टेब्लिश हुआ। 1945 में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग करने की एम से टाटा मोटर को एस्टेब्लिश किया, जिसमें 1954 से मार्केट के लिए भी कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करना शुरू हुआ। सबके अलावा 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एस्टेब्लिश कर टाटा ग्रुप ने सपोर्ट सर्विस में भी खुद को साबित किया। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा बने। रतन टाटा के दौरान में टाटा ग्रुप अपनी इंटरनेशनल पहचान बनाई। हालांकि इससे पहले भी टाटा ग्रुप इंटरनेशनल मार्केट में एक जाना माना नाम था, लेकिन रतन टाटा की मेजर एक्विजिशन ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर लाकर खड़ा किया दुनिया के सामने। 2000 में टेटली, 2007 में कोरस ग्रुप और 2008 में जैगवार और लैंड रोवर टाटा की मेजर एक्विजिशन साबित हुई। इस सारे अप्रोचेस से दुनिया के सामने ये साबित हुआ कि इंडियन कंपनी भी आज लैंड रोवर और जैगवार जैसी कंपनी को एक्वायर कर सकती है। नेगोशिएशन में आज एयर एशिया को कम्प्लीटली बाय करके और एयर इंडिया को परचेस करना भी टाटा ग्रुप के उच्च सेंटिमेंट को शो करता है, जो जेआरडी टाटा ने
टाटा एयरलाइन को एस्टेब्लिश करने समय कंपनी को डेडिकेट किया था। इसी तरह के इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।